हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड होप यू लाइक इट, सो लेट्स बिगिन। आइए आज हम जानते हैं कि लाइफ है क्या होती है और लाइफ है वाइफ है से कितना बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहला जानेंगे लाइफ है का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्ट्री, ये वर्क कैसे करता है, रियल टाइम यूजेज क्या है इसकी, कंपेरिजन बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजी अप्लीकेशंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं लाइफ का इंट्रोडक्शन। लाइफ इज अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेज लाइट एमिटिंग डायोड्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। दोस्तों, लाइफ को ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बोला गया है। ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब होता है जो कुछ भी हो वो लाइट के फॉर्म में हो, और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि ये इंटरनेट की तरह काम कर रहा है। हम नेटवर्क्स बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में, और ये सब ऑप्टिकली हो रहा है, इसलिए इसको ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बोला गया है। हम इसमें एलईडी का यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लाइफाई इज डिजाइन टू यूज़ एलईडी लाइट बल्ब्स सिमिलर टू दोज करेंटली इन यूजेज इन मेनी इनर्जी कॉन्शियस होम एंड ऑफिस। कहने का मतलब ये है, लाइफाई को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एलईडी बल्ब का यूज़ करता है। आजकल हम घरों में भी एलईडी बल्ब का यूज़ करते हैं, ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होता है। दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। दोस्तों, यदि हम अपने घर में एलईडी के अलावा अगर दूसरा बल्ब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, लेकिन हम एलईडी का यूज़ करते हैं तो ये एनर्जी का पूरा यूटिलाइज करता है। हाउएवर, लाइफा बल्ब्स आर आउटफिटेड विद अ चिप दैट मॉड्यूलेट्स द लाइट इम्परसेप्टिवली फॉर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन। दोस्तों, ये लाइफा बल्ब जो होता है इसके अंदर एक चिप ऑलरेडी एम्बेड किया जाता है। इसमें ये चिप पहले से ही लगा होता है और उसको हम लोग ऑप्टिकल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। लाइफाई डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय द एलईडी बल्ब्स एंड रिसीव बाय फोटो रिसेप्टर्स। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में जो भी डाटा है वो डाटा हम लोग एलईडी बल्ब के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, और उस डाटा को हम लोग रिसीव करते हैं फोटो रिसेप्टर के थ्रू। और ये फोटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होगा यहाँ पे लाइट, और रिसेप्टर्स का मतलब होगा रिसीव करना। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है, जब हमारा डाटा लाइट के फॉर्म में आएगा तो ये एक उसको रिसीव करेगा। लाइफ इज बेस्ड ऑन वीएलसी एंड प्रोवाइड रोमिंग सर्विस। दोस्तों, वीएलसी का फुल फॉर्म होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी एलईडी बल्ब में कांस्टेंट इनपुट पावर यदि हम देते हैं तो आउटपुट भी मुझे कॉन्स्टेंट ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप सभी ने टीवी रिमोट तो देखा ही होगा, और उसके आगे एक एलईडी बल्ब लगा होता है, ये इस टाइप का, ये हमारा एलईडी बल्ब है, तो इस टाइप का एलईडी बल्ब लगा होता है, तो हम जिस कॉन्स्टेंट स्पीड से हम चैनल चेंज करेंगे उसी कॉन्स्टेंट स्पीड से हमारा चैनल चेंज होगा। तो दोस्तों, लाइफाई का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, बट लाइफाई में एक ही एलईडी बल्ब का यूज नहीं होता है, वहां पे बहुत सारा एलईडी बल्ब का यूज होता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। दोस्तों, लाइफाई का हिस्ट्री ये है कि प्रोफेसर हैरल्ड हैश को लाइफाई का ओरिजिनल फाउंडर माना गया है। प्रोफेसर हैरल्ड हैश यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग से हैं, और वो यूनिवर्सिटी में जो मोबाइल कम्युनिकेशन फील्ड है उसका चेयरमैन है और प्योर लाइफाई का कोफाउंडर भी है। दोस्तों, प्रोफेसर हैरल्ड हैश ने इस टेक्नोलॉजी को 2011 में प्रमोट किया था टेड ग्लोबल टॉक पे। टेड ग्लोबल टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी इंसान यदि नया टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो अपने आइडिया को वहां पे शेयर कर सकता है। अक्टूबर 2011 में बहुत सारे कंपनी एंड इंडस्ट्री ने
मिल करके एक ग्रुप बनाया, लाईफाई कंसोर्टियम ग्रुप बनाया, ताकि ये लोग प्रमोट कर सके लाईफाई को, हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि यहाँ डाटा हाई स्पीड ऑप्टिकल जा रहा है। पहला जो स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप आया था उसको सबसे पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जो कि लास्ट वेगास में हुआ था वहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा हिस्ट्री था लाईफाई का। अब हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोकल नेटवर्क से डाटा ले यहाँ पे लोकल नेटवर्क से डाटा ली जाती है। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे ये हमारा सर्वर है और ये हमारा इंटरनेट हो गया। तो यहाँ से हम डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बाद वो लैंप ड्राइवर के थ्रू एलईडी बल्ब के पास जाता है। लैंप ड्राइवर अपने पावर लेवल को फ्लक्चुएट करता है और जिसकी मदद से आपका एलईडी लैंप उसकी आउटपुट इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलता है। और फाइनली जो हमारा कंप्यूटर है उसके साथ एक डोंगल लगा हुआ है और उसकी मदद से फोटो डिटेक्टर की मदद से कनेक्शन मिल जाता है। दोस्तों तो ये हो गया हमारा, वर्किंग हो गया लाईफाई का। अब देखते हैं रियल टाइम यूजेज ऑफ लाईफाई। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जो लाईफाई बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये चार लाईफाई बल्ब लगा हुआ है और जो हमारा यूज़र है, यूज़र उस डाटा को डायरेक्टली यूज़ कर रहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फायर वायर जिसकी टेस्टिंग हुई थी 800 Mbps, USB 3.0 का 5 Gbps की टेस्टिंग हुई थी, थंडरबोल्ट जो कि 20 Gbps का स्पीड इसकी टेस्टिंग हुई थी, वाईफाई का 150 Mbps, ब्लूटूथ का 3 Gbps, IRDA का 4 Gbps। अब देखते हैं वायरलेस जो कि अभी फ्यूचर में आने वाला है। तो लाईफाई की टेस्टिंग जो हुई थी दोस्तों, तो इसका जो टेस्टिंग हुआ था तो उसमें 10 Gbps का इसका टेस्टिंग हुआ था, जीगा आई आर 1 Gbps का इसका टेस्टिंग हुआ था, वाई ग्लैक का 2 Gbps का। अब हम देखते हैं why it is different। लाईफाई टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन LED फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये LED के ऊपर डिपेंड होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। द ट्रांसफर ऑफ द डाटा कैन बी विद द हेल्प ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइट नो मैटर द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट दे बिलोंग्स। कहने का मतलब ये है कि LED के कोई भी लाइट का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो विजिबल लाइट के कौन से स्पेक्ट्रम में बिलोंग्स करता है। दैट इज़ द लाइट कैन बिलोंग टू द इनविजिबल अल्ट्रावायलेट और द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। बेसिकली इसमें ये बोल रहा है कि जो भी लाइट होगा इनविजिबल और अल्ट्रावायलेट दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो लाइट देखते हैं वो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। अब देखते हैं वाईफाई वर्सेस लाईफाई। लाईफाई के होम को हम लाइट वेस्ट वाईफाई सोच सकते हैं, मतलब वाईफाई तो रेडियो वेव को यूज कर सकता है लेकिन लाईफाई लाइट वेस्ट वाईफाई होता है। नेक्स्ट लाइन में जो वाईफाई होता है उसके अंदर वाईफाई मॉडम यूज होता है, यानी कि जो वाईफाई के थ्रू डाटा आ रहे होते हैं उसको रिसीव करता है, लेकिन लाईफाई के अंदर ऐसी LED यूज होता है जिसके अंदर ट्रांस रिसीवर लगा होता है और ये जो LED होता है वो रूम को लाइट भी प्रोवाइड कर सकता है और ट्रांस रिसीवर की वजह से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट लाइन में लाईफाई वहाँ पे ज़्यादा सही होता है जहाँ पे हाई डेंसिटी वायरलेस डाटा कवरेज होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं लाईफाई का एप्लीकेशन, यू माइट जस्ट लिव लॉन्गर। दोस्तों इसको यू माइट जस्ट लिव लॉन्गर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें हम रेडिएशन का यूज़ नहीं करते और हमें पता है रेडिएशन हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है।
तो जब उसमें रेडिएशन यूज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई हार्म नहीं होगा और हम लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरा है एयरलाइंस। दोस्तों, जब आप फ्लाइट में बैठे होते हैं तो वहाँ पे वाईफाई यूज़ करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि इसलिए जो हमारा एयरलाइंस का रडार सिस्टम होता है वो रेडियो वेव को यूज़ करता है, और जो हमारा वाईफाई है वो भी रेडियो वेव को यूज़ करता है। तो अगर हम उस टाइम पे रेडियो वेव को यूज़ करेंगे तो एयरलाइंस का जो रडार सिस्टम होता है वो उसको वहाँ पे हार्म पहुँचाएगा। तो इस कंडीशन में यदि हम वहाँ पे वाईफाई यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वाईफाई रेडियो वेव के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना लाइट के थ्रू डाटा मिलता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। दोस्तों, हॉस्पिटल में बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो कि अलग अलग रे के ऊपर काम करता है, रेडिएशन का यूज़ होता है। यदि वाईफाई यूज़ किया जाएगा तो बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है, बट वाईफाई यूज़ करने पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। दोस्तों, अब देखेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ वाईफाई। वाईफाई इंसफिशियंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि हमें डाटा सफिशियंट नहीं मिल पाता है, ये प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसमें विजिबल लाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में इतना हाई डाटा ट्रांसरेट मिल जाएगा 10 Gbps का इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, सिंस लाइट कैन नॉट पेंट्रेट वॉल्स, इट प्रोवाइड्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दैट वाईफाई कैन नॉट। दोस्तों, ये जो है हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसलिए यदि हम एक रूम में हम वाईफाई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो वो एक रूम में पर्टिकुलर जितना उसका एक रूम है तो वहीं पे वो लाइट प्रोवाइड करेगा, दूसरे रूम में तो जा नहीं सकता। तो हम सिर्फ अगर एक रूम में लाइट रहेगा तो वो डाटा जो हमारा एक रूम में ही रहेगा, वो दूसरे रूम में तो जा नहीं सकता है, और दूसरा आदमी तो यूज़ नहीं कर सकता, जो उस रूम में रहेगा वही यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वाईफाई को रियल लाइफ में यूज़ करना और मेंटेन करने का कॉस्ट काफ़ी कम है। तो दोस्तों, ये थी हमारा एडवांटेज ऑफ वाईफाई। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज यहाँ पे है, लाइट कांट पास थ्रू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, यदि एक रूम में वाईफाई लगी होती है और हम दूसरे रूम में उसी वाईफाई से डाटा ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं तो हम नहीं करवा सकते हैं। अ मेजर चैलेंज फेसिंग वाईफाई इज हाउ द रिसीविंग डिवाइस विल ट्रांसमिट बैक टू ट्रांसमीटर। इसमें एक मेजर चैलेंज जो वाईफाई फेस कर रहा है वो रिसीविंग डिवाइस है, और यहाँ रिसीविंग डिवाइस फोटो रिसेप्टर्स है। हम इससे पहले समझा चुके हैं जो फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है। फोटो रिसेप्टर्स है, और फोटो रिसेप्टर सिर्फ रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि वाईफाई टेक्नोलॉजी में जो फोटो रिसेप्टर यूज होता है वो लाइट को रिसीव तो करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको ट्रांसमिट करना पड़े तो ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता वापस। नेक्स्ट लाइन में, वाईफाई को यूज करते वक्त यदि सनलाइट और अदर बल्ब की लाइट यदि आती है तो डिस्टरबेंस हो सकता है। दोस्तों, तो ये हमारा था डिसएडवांटेज। अब देखते हैं वाईफाई का कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि वाईफाई का अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वो एक्सप्लोर आगे होगा। नेक्स्ट लाइन में कहने का मतलब ये है, अगर इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल यूज में लाया जाए तो हर एक बल्ब को वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग एक साफ सुथरा हरा भरा फ्यूचर की तरफ मूव कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें।